देखिए सिचुएशन आपको सबको पता है, कोई अच्छी सिचुएशन तो है नहीं, और मैं बिलीव नहीं करता हूं कि ज्यादा आके जो है वो अपने आप को इस तरह का मुझे एक्सपोजर जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि अच्छी बात तो है नहीं बताना कि क्यों एक सिचुएशन डेवलप हुई और कितना प्रेशर है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। बट सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट थी, जो कि मैंने इसका कल भी एक छोटा सा तस्करा किया था, और मैं समझता हूँ कि अगर ये हमारे जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी में इसी तरह से टीम्स जो हैं वो आपकी हेल्प नहीं करेंगी जबकि आपकी ज़रूरत थी, खासतौर पे इंग्लैंड ने देख लिया था कि न्यूजीलैंड के बाद जो हुआ था वहाँ पे इनको थोड़ा सा और हेल्पिंग हैंड बढ़ाना था, मगर ऐसा हुआ नहीं। सो हमारे लिए भी लेसन है और हमें भी आइडिया हो रहा है कि कौन से दोस्त हैं, प्रेशर में कौन खड़ा होता है। और मुश्किल बात यह है कि बगैर थ्रेट को शेयर किए हुए आप अबैंडन कर दें टूर को, ये जो है ये थोड़ा सा हार्ड है हम सब के ऊपर, क्योंकि यू नो फैंस, क्रिकेट टीम, क्रिकेट बोर्ड, इवन आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो जानना चाहती है कि क्या था थ्रेट और किस तरह से उसको काउंटर किया जा सकता था। मगर अगर आपने बताने नहीं है और अगर टूर अबैंडन करना है तो फिर आप निकल जाते हैं। सो जब आप पाकिस्तान आते हैं, और मैं ये इंग्लैंड के चीफ से भी और न्यूजीलैंड के चीफ से भी बात कर चुका हूं, तो एक खास माइंडसेट से आते हैं जब आप एशिया में आते हैं। ये आप कोई अमेरिका जा नहीं रहे हैं या कोई ऑस्ट्रेलिया या वेस्टर्न कंट्री में जा नहीं रहे, तो यहाँ पे बम्प्स भी होते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक का केओस भी होता है, मगर आपकी जो एक क्रिकेट खेलने की जो स्पिरिट होती है ना वो इस सारी चीजें डिफीट कर देती है। और दूसरा इमोशनल एंगल के देर के बाद पाकिस्तान में जो है वो बड़ी टीम्स ने आना था और ये हमारा सबसे भरपूर सीजन था, तो वहां पे भी जो हमें एक तरह से बैकिंग चाहिए थी और हमारा ओवरऑल जो हमने हजारों बेबी स्टेप लिए थे उसको सामने रखते हुए भी पाकिस्तान के इमोशंस की इनफैक्ट कदर नहीं की गई, जिसकी वजह से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी को ना समझना और जो मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने की उसकी कदर ना डालना, इससे जो है एक तरह से ये हार्ट ब्रेक भी है और ये फ्रस्ट्रेशन भी है। और बिल्कुल खुले लफ्जों में मैंने इसका इजहार किया है दोनों क्रिकेट बोर्ड से। सिर्फ मैं यही चाहूंगा फ्रॉम मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू के आप इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें और कितनी डेलिकेट सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे अगर मड स्लिंगिंग या फिंगर्स पॉइंट होने शुरू हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान क्रिकेट को और हार्म देता है, क्योंकि हमारा एक यूनाइटेड फ्रंट चाहिए और बन रहा है इंशाल्लाह, इसलिए कि सारी जो वेस्टर्न मीडिया है, अखबारों में आज आपने देख ही लिया होगा, वो सारे पाकिस्तान के हक में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सब ये समझते हैं कि ज्यादती हुई है पाकिस्तान के साथ। एक मकसद जो आप लोगों से बात करने का भी यही है कि आप पूरे गेम को समझने की कोशिश करें कि कितना इसमें यूनाइटेड फ्रंट और एका चाहिए हमें, और क्योंकि वो लोग तो वेट कर रहे हैं कि तोड़फोड़ होगी और अंदर से ये टूटेंगे जिसकी वजह से इन पे प्रेशर कम होगा, मगर हमने प्रेशर रखना है, थ्रू आउट रखना है, हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, और चल के जो भी रिक्वायर्ड फोरम है उसमें अपनी आवाज उठाएंगे। सो ये मैंने आपको कहना था, और आपके जो भी सवाल है आप बताइए मुझे। शुक्रिया रमीज भाई, जैसे मैंने गुजारिश की कि मैं इंशाल्लाह हम सब लोगों के सवालात लेंगे। पहला सवाल याकूब साहब, उसके बाद सोहेल इमरान, रशीद शकूर और फिर शाहिद हाशमी। याकूब साहब तो हो गए होंगे, अब कोई इसमें दुनियाए सहाफत में इनका कोई 88वां साल होगा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। याकूब आप म्यूट पर हैं। अनम्यूट करें तो आवाज आई यानी मेरी? हाँ आगे आवाज आगे आई आगे 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 जी सर? याकूब मैं साहब। सब बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बन चुकी है। मेरा एक क्वेश्चन है कि कितना का मुश्किल होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर ना जाएं, क्योंकि यही हमारी पॉलिसी होगी, हम न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं जाएंगे तो जाहिर है फिर हम चाहे तो उनके मुल्क में भी टूर ना करें, तो ये कैसे ही इसको मैनेज किया जाएगा। दूसरा, आपने बात की है कि हमें यूनाइटेड होना चाहिए, तो क्या आपके माइंड में कोई प्रपोजल है ऐसी कि आप पुराने जो कम से कम जो 20 साल पुराने जो चेयरमैन है उनको भी पीसीबी को इकट्ठा करें। बिग 3 का भी इशू चला था, उसमें भी काफी आईसीसी के साथ हुआ था पीसीबी का, तो
तो उनका भी एक्सपीरियंस लिया जाए इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए। तो ये कोई प्रपोजल आपके जेहन में है कि पुराने चेयरमैन को मिलाकर भी कोई उनसे भी इनपुट लिया जाए तो कैसे आगे आगे चलना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कोई प्रपोजल नहीं है याकूब। दूसरी बात जो है आपकी के न्यूट्रल वेन्यू पे तो हम जाएंगे नहीं, पाकिस्तान का वेन्यू रहेगा और इंशाल्लाह निकलेंगे। इसलिए कि कितनी मुश्किल होगी, मुश्किल कितनी होगी कि जाहिर है अगर आप न्यूट्रल वेन्यू पर कहेंगे आपने खेला तो वो अपने आप उनके मुल्क में जाएंगे तो मसला बनेगा नहीं? क्या मतलब है, वो उनका न्यूट्रल वेन्यू तो नहीं है ना, उनके मुल्क जाएंगे नहीं। न्यूट्रल आप अगर आप अपने आप दुबई पर सीरीज नहीं करते तो फिर आप उनके मुल्क जा खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया को आप ऑस्ट्रेलिया कहते हैं मैं न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहता हूँ। नहीं, न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं जाएंगे हम, नहीं जाएंगे ना, तो उनके मुल्क जाएंगे आप, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे आप खेलने के लिए। वो तो जब ब्रिज क्रॉस करेंगे तो करेंगे ना। इस वक्त तो पॉइंट ये है कि हमारा जो जो फ्रस्ट्रेशन और जो हमारा जो हार्ट ब्रेक है उसकी जो है हम अच्छी तरह से नुमाइंदगी कर सके ताकि आगे इंशाल्लाह ऐसी कोई सिचुएशन ना हो। और याकूब साहब हैंग ऑन अ सेकंड, आप मुझसे एक चीज पूछ रहे हैं कि सन 2023 में मैं क्या करूंगा, 2025 में मैं क्या करूंगा, यही पूछ रहे हैं ना आप? नहीं, मैं अभी पूछ रहा हूँ, अभी आपने बाहर जाना है तो आप बाहर जाएंगे ना? नहीं, अगर आप अभी बाहर कब जाना है, कहाँ जाना है? अभी नहीं जाना आपने, लेकिन बाद में एक आ रहा है ना 2022 याकूब साहब, मैं आपको अभी क्या बताऊँ, क्या बताऊं उसके बारे में? ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़ते हुए सुहेल इमरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, कल भी आपने एक बड़ा वन लाइन ली, बड़ा सख्त मौकफ इख्तियार किया, अभी भी आपके बातों से यही लग रहा है, हमने हमेशा कमजोरी दिखाई है, हम दूसरी ममालिक की बातें मानते रहे और आपने खुद भी उसको एडमिट किया कि हमने दूसरों की बातें मानी, लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है। कुछ हमें बताना चाहेंगे कि क्या प्लान करेंगे आपके, अगर फर्ज कर ले हम पहले ही वो हमारे पास नहीं आ रहे, अब अगर हम उनको अपनी बातें मनवाने के लिए टेबल पर लेके आते हैं तो वो कहेंगे कि ठीक है आप हमारे मुल्क में भी आकर ना खेले, तो हम इससे ज्यादा आइसोलेट नहीं हो जाएंगे? या आपका इसको कोई प्लान बी भी है कि क्रिकेट चलती रहे और पाकिस्तान टीम को महरूम ना होना पड़े मैचेस से? देखिए सोहेल, ये एक यूनिक सिचुएशन डेवलप हो गई अनफॉर्चुनेटली, और मैं सिर्फ एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ये टेम्पररी सिचुएशन है और इसको टेम्पररी बनाएंगे। असल में जो फाइट है वो यही है कि इसको यू नो एक साइकिल ना क्रिएट हो जाए जहाँ पे पाकिस्तान में क्रिकेट रीलॉन्च जो इतनी मुश्किल से हुई है वो प्रेशर में आ जाए। सो ऑब्वियसली एशियन ब्लॉक है, यू नो ट्राई नेशंस के टूर्नामेंट्स हैं, अभी भी जैसे मैंने कहा था दो एक क्रिकेट बोर्ड्स जो थे वो विलिंग थे आने के लिए, अपनी टीम्स भिजवाने के लिए, मगर वो उसका इम्पैक्ट वैसा नहीं होना था। और तो हमारे पास देखें, वो हमें नहीं बुलाएंगे, वो वही बात है ना, या हम नहीं जाएंगे, ये अभी बहुत आगे की बात है। सो ये ICC के ऊपर जाके जो एक रिक्वायर्ड फोरम है उसके ऊपर खुल के बात ये की जा सकती है कि इसका हल ढूंढना चाहिए सबको, और अगर हल नहीं मिलता है तो फिर आपको एक बड़ा रोबस्ट किस्म का अपना होम सीजन, जिसमें कि आप यू नो इंटरनेशनल प्लेयर्स तो वैसे आ ही जाते हैं, बट ट्राइंगुलर सीरीज जो है, और अभी से मैंने तो कह दिया क्रिकेट बोर्ड को कि अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं आती है तो हमारे पास एक प्लान बी जो है वो पूरा तैयार होना चाहिए। जी कहा है शाहिद? फिलहाल मैं हूँ रशीद। जी 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 रशीद सगूर साहब। जी सलाम अलैकुम रमीज भाई। रमीज भाई ये बताएं कि ये जो सूरतयाल हुई, जो सिक्योरिटी अलर्ट और थ्रेट्स और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमसे शेयर भी नहीं हुई ना, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी से शेयर हुई, तो आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को कहीं से किसी तीसरी कुव्वत ने गुमराह किया? क्योंकि बहुत अजीब सी ये बात मालूम होती है। और दूसरा जो है कि अब आप जिस तरह बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौकफ या जो भी सूरत हाल होगी उसमें गवर्नमेंट की एडवाइस का कितना अमल दखल होगा, स्पेशली जो वर्ल्ड T20 आ रहा है उसमें, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ कहती है तो क्या गवर्नमेंट से भी, प्राइम मिनिस्टर से भी आपकी इस बारे में कोई बात हुई? थैंक यू। देखिये 22 तारीख को वो टीम से मिल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और मेरे से भी बात हुई है उनकी लंबी चौड़ी। सो जो हम सिचुएशन है, इनफैक्ट इट्स द अदर वे अराउंड, के जो हम हमारी जो सिचुएशन है वो उनको बताई है, एंड आई एम श्योर हम गाइडेंस तो लेते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है,
بٹ پوائنٹ صرف یہ ہے نا کہ اگر ہم دنیا سے سارے رشتے ناطے توڑ دیں تو یہ ہمارے پاکستان کو اس کا کتنا فائدہ نہیں ہے فائدہ. اور اس کا جیسے میں نے کہا کہ آپ کا بیک اپ پلان ضرور ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ کی پرفارمنسز اتنی اچھی ہوں کہ آپ جا کے پھر دنیا کو بتا سکیں کہ آپ کو اگلی دفعہ اس طرح کا کوئی ٹیم ریفیوز کرے تو وہ دو دفعہ سوچے. میں نے کرکٹ کی اکانومی کی بات کی ہے, اس پہ ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے چھ مہینوں میں ہمارے پاس ایک نئی ایونیوز ہم کریٹ کریں گے جہاں پہ کرکٹ بورڈ کے پاس بہت پیسے آئیں گے, کیونکہ لوگ بہت تیار ہیں, کرکٹ کے پروڈکٹ میں بلیو کرتے ہیں اور اس کو اور زیادہ لے کے جانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس سب چیزیں موجود ہیں, اس وقت جو چیز جس چیز کی ضرورت ہے ان کو آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے. اور آئینہ ہم نے ان نو جس کو کہتے ہیں نا انسرٹن ٹرمز میں ان کو دکھایا ہے. اگر آپ میں ریکارڈنگ کاش میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا جو چیئرمین ای سی بی کے ساتھ کی ہے تو آپ خوش ہو جاتے, اس لیے کہ ان کو بالکل میں نے یہ بتایا کہ ہمیں آپ استعمال کر کے اور بن کر دیتے ہیں, یہ نہ کرکٹ بورڈ کو جو ہے یہ چیز پسند ہے اور نہ ہی فینس کو نہ ہی کرکٹ ٹیم کو. جیسے میں نے کہا نا کہ یہ ایک ویسٹرن بلاک بن جاتا ہے اور اس کے تحت پھر یہ سارے ڈیسیجن میکنگ, ایک اگر ابارٹ کر گیا ٹور تو دوسرا بھی کرے گا اور تیسرا بھی کرے گا. سو اس میں کوئی منطق ہے نہیں اور ان کو بھی پتہ ہے, کیونکہ ہمیں پرائیویٹلی بتایا گیا ہے کہ ٹیم سے انہوں نے زیادہ پوچھا نہیں ہے اس بارے میں تو کیا انہوں نے ٹور کرنا یا نہیں کرنا. بٹ اینی وے وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے, ہمارا اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک بھرپور انداز سے جو ہے اتنا زیادہ اس کو ہیڈ آن لیں تاکہ اگلی دفعہ ایسی سچویشن نہ ہو اور اپنا موقف جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے رکھیں کہ آپ اس طرح سے ٹیک آف نہیں کر سکتے وداؤٹ شیئرنگ جو آپ کو ایک تھریٹ کا پرسیپشن تھا. اور ایک ایسی ہماری جو آپ کی سیکیورٹی فورسز ہیں جو کہ دنیا میں سب سے بہترین اور بیٹل ہارڈنڈ ہے, ان سے زیادہ کیا پتہ ہوگا, کیونکہ ہم تو ایوری ڈے جو ہے وہ اس امبریلا کے تحت جو ہے وہ رہتے ہیں, تھریٹس آتے ہیں اس کے ساتھ وی ڈیل ود اٹ اینڈ وی موو آن. سو یہ ایک اسپرٹ جو چاہیے تھی انگلینڈ کی طرف سے, نیوزی لینڈ کی طرف سے یا ویسٹرن ٹیمس کی طرف سے وہ دکھنے کو نہیں ملتی ہے. سو اپنا مقصد جب ہوتا ہے تو یہ بن جاتے ہیں, جب ہمارا مقصد ہوتا ہے تو ہمیں یہ بن کر دیتے ہیں. یہ جاتی ہے اینڈ آئی تھنک جو اور ہماری جو ایک نیشنل سائیکی کے اوپر یہ ہٹ کرتا ہے, ہمارا بانڈ جو ہے وہ کرکٹ ہے اور آپ ہاؤ ڈے یو ہمیں چیلنج کرتے ہیں, ہمارے نیشنل بانڈ کو کریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. اور آئی تھنک ہم بہت سخت لائن لیں گے, اس لیے کہ دیکھیں میں کرکٹ کھیلا ہوں, میں ان کے کرکٹرز کو جانتا ہوں, میں ایم سی سی کرکٹ کمیٹی میں ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ پاکستان کی کرکٹ کی عزت ہے. سو ہم اپنی اگر عزت نہیں کروائیں گے تو پھر اسی طرح سے ہم جو ہے وہ جو ہے نا ایک طرح سے ان کے ہاتھ میں اپنی قسمت دیتے رہیں گے, جو میرے ہوتے ہوئے تو نہیں ہونے لگی ہے. جو بھی ہوگا پریشر کریں گے, کرکٹ کا ریزن دیں گے, پرفارمنس کے تھرو جو ہے وہ بات کریں گے, اور جو بھی ہماری جو لیگلی ہم ان چیزوں کو پرسو کر سکتے ہیں وہ بھی کریں گے. نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, انگلینڈ, ان کے بڑے ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں. آسٹریلیا چھوڑ گیا ساؤتھ افریقہ کا ٹور, کل لیسٹر میں انگلینڈ کی اور نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیم کا ون ڈے ہو رہا ہے ڈسپائٹ بام تھریٹس. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈس پہ آپ کیا کہیں گے اور کیا اس طرح کوشش کرنی چاہیے کہ ساؤتھ افریقہ جیسے ملک وہ بھی ہرٹ ہے, ان کے ساتھ مل کے لابی کی جائے؟ دیکھیں شاید مطلب مجھے تو یہ لگتا ہے, ابھی آئی سی سی کی میٹنگ بھی ہے ہماری ورلڈ کپ کے دوران, مجھے تو یہ لگتا ہے یہ خام خام ایک کاسمیٹک قسم کی یہ میٹنگز ہیں, کیونکہ اگر میننگ فل کوئی چیزیں اس پہ نہیں ہوتی ہیں, مطلب آپ ریئلائز ہی نہیں کرتے ہیں کہ ایک کرکٹ بورڈ نے سالوں سال تک محنت کر کے یہاں تک کام کیا ہے اور آپ ایک ون فائن ایوننگ ایکچولی آپ کو کوئی ایک ہوکس بھی ہو سکتا ہے یا تھریٹ بھی ہو سکتا ہے, اس کے بیس کے اوپر جو ہے وہ آپ ٹیک آف کر جاتے ہیں اور سارے جو ہماری محنت ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ ان میٹنگز کا فائدہ کیا ہے, مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے. سو یہ وہی بات ہے, گول پوسٹ جو ہے یہ بدل دیتے ہیں اپنے حساب سے, جو ہے یہ ہر چیز کو اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. ان کا نیریٹو جو ہے وہ ہر ملک کے لیے الگ ہے اور ہمارا نیریٹو یہ ہے کہ بھائی اللہ کے واسطے ہمارے سے کھیلتے رہو. تو یہ جو ایک ہمارا نیریٹو ہے نا یہ بدلنا ہے, اور اس کے بدلنے کے لیے جو ہم یہاں پی سی بی میں بھرپور زور لگائیں گے, اپنے پریس کے تھرو بھرپور زور لگانا چاہیے,
और क्रिकेट टीम को ये भी रियलाइज करना, आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस सारे सिनेरियो का जो अब क्रक्स है ना, वो ये है कि पाकिस्तान टीम को एक मिसाली परफॉर्मेंस देनी है इस वर्ल्ड कप में, और अपने से उभर के खेलना है, जिसकी जो कैपेसिटी है उसको 100 times जो है वो इम्प्रूव करना है। मैं इनसे बार बार ये कहूंगा अभी भी जब भी मेरी बात होगी कि आपको ये जो चैलेंज है आप इसी तरह से आपने दुनिया को खामोश करना है, ये जो आपके साथ हुआ है इसका एक ही तरीका है। शुक्रिया अकील, शहबाज, माजिद भट्टी और फिर मोहिशा। अकील साहब कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, आवाज आ रही है आपकी? हाँ आ रही है, आपकी शक्ल नहीं आ रही है। अच्छा जी, शक्ल आपके हम दिल में है। अच्छा ठीक है ठीक है। अभी सो रहे हैं आप? सो रहे हैं? नहीं नहीं जी। अच्छा रमीज भाई, आपने खुद भी अभी फरमा दिया है कि ये कॉस्मेटिक्स मीटिंग होती है आईसीसी की, तो आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम आईसीसी में ये मामला भी उठाएंगे, माजी में बड़े चेयरमैनों ने बड़े मामला इंडिया के साथ क्रिकेट रिलेशन बहाल करने के लिए उठाया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला, वो आईसीसी कह देता था कि ये बाईलेटरल आपकी हुकूमतों का मामला है, अब फिर न्यूजीलैंड की हुकूमत इन्वॉल्व हो गई है, तो आप क्या समझते हैं कि हमें क्या करना है कि हम कोई ऐसा तरीका ना, हम खेलना भी चाहते हैं और हम एहतजाज भी करना चाहेंगे, तो किस तरह हम करेंगे कि हमारी क्रिकेट हो जाए बहाल पाकिस्तान में, कोई ऐसा कोई आपके पास कोई, क्योंकि आप बड़े माशाल्लाह साहब कप्तान हैं, कमेंटेटर पूरी दुनिया में आपका एक बड़ा जबरदस्त इमेज है। देखिए ये मुश्किल है, आपका पॉइंट सही है बैलेंस करना, कि आपको गम और गुस्सा भी है, आप चैलेंज भी दुनिया को करना चाहते हैं, फिर उनसे काम भी आपको लेना है, सो आपको एक डेलिकेट सी सिचुएशन में आप हैं। मगर देखिए मैंने जितना मुझे समझ में आता है कि आपके साथ इस ज्यादती जब होती है तो आपको अपना ओपिनियन वॉइस करना चाहिए। पहले तो हम थोड़ा सा खाम खाम में खौफ ज्यादा होते हैं, जैसे कि हम इंफीरियर रेस हैं, हमें शायद हम कॉम्प्लेक्स भी है हमें कि हम खुल के बोलते नहीं है, हम यही समझते हैं कि पता नहीं यार वो हमारे खिलाफ हो गया तो क्या होगा, वो खिलाफ हो गया तो क्या होगा। बट हकीकत की बात ये आपने देख ही ली है कि ब्लॉक्स बने हुए हैं और इसका एक डोमिनोज इफेक्ट आपको दिखने को मिल रहा है कि एक पुल आउट किया तो दूसरा किया, अब आगे जाके और भी हो सकते हैं। सो इस खुला इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि ये परसेप्शन की गेम ज्यादा है इनके लिए, वेस्टर्न ब्लॉक के लिए, और परसेप्शन जो है वो आप अपने मौकफ से, आप यू नो अपनी क्रिकेट से वो ठीक कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि लीगली भी इसको हैंडल करना है हमें, जो कि हमारा राइट है, और इसको ब्लॉक्स के थ्रू भी करना है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि आगे चल के वो आपकी पॉइंट ठीक है कि हमारे पास, जैसे मैंने कहा है कि यू नो श्रीलंका हमेशा हेल्पिंग हैंड देते हैं, इसी तरह से बांग्लादेश विलिंग थी अपनी एक दूसरी टीम भिजवाने के लिए, अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो मिलने के लिए आ रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के। सो पॉइंट ये कहने का है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, मगर हम इस तरह का भी फ्रंट नहीं प्रेजेंट करना चाहते हैं कि ये हम अलग हो गए और हम आपको चैलेंज करने वाले हैं, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में रह के अपना मौकफ पेश करना है और उनको बताना है कि ये चीज़ें जो हैं आगे चल के एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, और इसके ऊपर जो है वो आपको बात करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर ये नहीं है कि जी आप फटीग या प्लेयर्स स्पूक हो गए या यू नो बबल में रह रहे कि वो अब नहीं आ सकते दो मैच खेलने के लिए, ये बड़ी फ्लिमसी से एक्सक्यूजेस हैं। चलो जी आप जी। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। खुश है बात रमीज भाई, अगर हम अगर देखें ये जो सूरत हाल है, अगर दो साल पीछे पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस वक्त इंग्लैंड टूर पे गई जब एवरेज 2000 लोग जो है रोजाना वहाँ पे उनकी डेथ हो रही थी कोविड की वजह से, और जो एक सर्वे आया था उस वक्त बहुत बड़ी अमाउंट इंग्लैंड ने उस ब्रॉडकास्ट के उसमें हासिल की थी, तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं तो आप तो अभी नए आए हैं बोर्ड में, जो लोग उस वक्त इंग्लैंड को डील कर रहे थे उनकी भी कहीं ना कहीं ये सफारती नाकामी भी है, और दूसरा आपकी बातों से बाहर ये लग रहा है कि आप अब एशियन ब्लॉक को मजबूत करने जाएंगे, तो उसमें इंडिया का रोल क्या होगा जब आप एशियन ब्लॉक को मजबूत करने के लिए जाएंगे? देखिए इंडिया का रोल जो है वो डिफाइन होता है उनकी गवर्नमेंट से, सो मेरी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है। मतलब मैं कोई ब्लॉक बना के कोई चीज ब्लॉक नहीं करना चाहता हूँ, मगर मेरा मकसद ये है कि हमें एटलीस्ट ऑन बोर्ड लेने चाहिए वो लोग जो कि रिसेप्टिव हैं पाकिस्तान को केस को सामने रख के, और जो कि नाजुक मराहल जब आते हैं हमारी
क्रिकेट की करियर और लाइफ में वो बैक कर सके हमें, क्योंकि वो माइंडसेट एक ही तरह का है, उनके यहाँ भी जो है वो टर्बुलेंस थोड़ी बहुत रहती है, खैर दुनिया में हर जगह टर्बुलेंस है। सो मेरा मकसद ये था। देखिए ये सबक है ना, मैं यही कहता हूँ कि आपको सबक से फिर दोबारा ऐसी सिचुएशन ना हो तो आपको एक तो प्रीएम्प्ट भी करना चाहिए, क्योंकि अब 2022 में वो कह रहे थे हमें, मुझे ECB के चीफ के, जी आप फिक्र ना करें हम आएंगे। सो मैंने कहा क्या गारंटी है कि 2022 में वन फाइन डे आप उठते हैं और आप कहते हैं जी कि आज तो लग रहा है कि यू नो पाकिस्तान के नेबरहुड में टर्बुलेंस और बढ़ गई है तो हमने नहीं आना है। सो ये तो ये ऐसे ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आप कभी भी, आपका एक गेट आउट क्लॉज है, तो ये गेट आउट जो क्लॉज है इसके ऊपर दो तीन तरह से है, या तो इसके ऊपर कोई एक एक फर्म आप चीज करें ICC के ऊपर के ये जो चीजें हैं इस तरह से होंगी जब यू विजिट एशिया जनरली। बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो बांग्लादेश में भी हुए हैं, श्रीलंका में आपको सिचुएशन पता है कि क्या है, कुछ कोविड का मामला है, अफगानिस्तान का आपने सिचुएशन देख ली। सो ये इसका मतलब है किसी भी एशियन टीम को घर में क्रिकेट जो है वो मिलनी बड़ी मुश्किल हो गई है, और पाकिस्तान जो है उसने देख लिया, एक्सपीरियंस किया है। सो मेरा तो पॉइंट यही है कि कई चीजें प्रीएम्प्ट हमें करनी पड़ेंगी पहले से, और कई सिचुएशन को थोड़ा सा और आगे जाके फिर आपको क्लैरिटी मिलती है। तो कई दफा जो है ना वो थोड़ा पॉज लेके और कोई डिसीजन ना लेते हुए में क्लैरिटी आ जाती है कई दफा चीजों की। सो अभी मैं समझता हूँ, मैं अपने आप से भी ये बात करता रहता हूँ कि मैं हम इमोशनली चार्ज्ड अप हैं इस वक्त। सो इमोशनली चार्ज जब होते हैं उसमें अच्छी बात भी होती है, क्योंकि फिर आप जो आपके दिल में चीज होती है आपके जुबान पे आती है और सारी दुनिया फिर वो सुनती है, क्योंकि उसकी एक टोन ही अलग होती है। और अगर आप इसको पॉलिटिक्स में ले जाते हैं तो वो फिर ज्यादती अपने मुल्क के साथ आप करते हैं, और थोड़े से पॉज से ये होता है कि शायद वो जो आपके जो बात की है वो दूसरे मुल्कों तक पहुंच जाती है और उनका जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा और लॉजिकल हो जाता है। जी नेक्स्ट। जी रमीज भाई सलाम अलैकुम। जी भाटी साहब। अच्छा रमीज भाई, कल रात को आधी रात को आपका वीडियो पैगाम आया, सोई हुई कौम को आपने जगा दिया, उसकी पजीराई भी हो रही है सोशल मीडिया पे भी, मीडिया भी उसको अच्छे अल्फाज में याद कर रहा है। अब जो मैंने आपकी इस गुफ्तगू से नतीजा अक्स किया, एक तो आप कह रहे हैं कि भाई T20 वर्ल्ड कप में जो एक मैच फोरफिट करने का न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑप्शन है वो आप यूज नहीं करना चाहते, तो फौरी तौर पे अगर आपसे एक स्टेप पूछा जाए कि एज ए PCB चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या ऐसा कदम उठाना चाहता है जिससे ये तो कम अज कम पता चले कि हम खुददार कौम है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बार बार खुददारी की बात करते हैं। देखिए भट्टी साहब, आपको पता है कि 7-8 मुल्क हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। सो या तो ये फोरम मुझे बताया जी आपका ख्याल में कि किसी से हम क्रिकेट ना खेलें, या इन राइटिंग लिया जाए कि जी आपने पाकिस्तान जो आना है वो कहते हैं जी कि हम जो सिचुएशन है यहाँ पे वो हमें अलाउ नहीं करती इस तरह की। क्योंकि मैंने ECB के चेयरमैन से ये भी कहा था, मैंने कहा जी आप अगर विथड्रॉ कर रहे हैं सो मुझे ये दो मैचेस की आप डेट दें, फिर आप बताएं कि आप कब आएंगे ये दो मैच खेलने के लिए। वो भी नहीं दे सके वो, इसलिए कि वो कहते हैं उनकी यू नो प्लेयर्स एसोसिएशन है, फिर उसके बाद उनका बोर्ड है, फिर वो प्लेयर्स हैं। सो उनका एक बोर्ड जो है वो स्ट्रक्चर दूसरी तरह से हुआ है, या वो ये कहते हैं, हालांकि मेरे ख्याल से इतनी कोई बड़ी चीज ये नहीं थी। सो मैं तो भट्टी साहब, मेरा जो मकसद अभी ये है कि जो डैमेज हुआ है इसको दुनिया को बताना है, और पाकिस्तान का केस जो है पहले तो हमने सामने रखना है, और केस यही है कि आप इस तरह से हमें अबैंडन करके नहीं जा सकते हैं। नंबर दो, जैसे मैंने कहा कि जो भी आपकी सीरीज है उसके ऊपर आप काम करें, जीतें, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रांग करें, अपने प्लेयर्स स्ट्रांग करें, अपनी क्रिकेट की ग्रो करें कमर्शली, ताकि यहाँ पे और ज्यादा अट्रैक्शन हो, और ज्यादा टीमें आ सकें, उनके पास यू नो बहाने ना हो। तीसरी बात यह है कि आप जो आपका जितने भी केस आपके जहन में है जो कि पाकिस्तान को लेके है, और एक जो सेंसिटिविटी है बाकी मुल्कों में वो दूर की जाए, वो बात सही होगी। वो इनको बार बार ये बताना होगा कि देखें कितने ज़रूरी है हमारा इंटरेक्शन, हमारा टूर करना। हम तो दो दफ़ा नहीं पूछते हैं जब वेस्ट इंडीज़ जाना होता है कोविड में, या इंग्लैंड जाना होता है, ऑस्ट्रेलिया जाना होता है, और यही हमें चीज़ अब करनी है।
कि हमें भी पॉज लेके अपनी सिचुएशन के हिसाब से इनिंग्स खेलनी है। सो उसमें कई जगह प्रीएम्प्ट आपको करना पड़ेगा, कई जगह आपको शायद बड़े सख्त जो है वो डिसीजन लेने पड़े अपनी खुददारी के लिए, अपनी क्रिकेट के लिए, अपना पॉइंट पुट अक्रॉस करने के लिए। सो जैसे मैंने कहा ना कि वो जब वक्त आएगा वो करेंगे, इस वक्त आप 10 चीजें जो हैं वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है। इस वक्त जो पीसीबी जो चाह रहा है कि वो डैमेज कंट्रोल करे, और डैमेज कैसे कंट्रोल करे कि वेस्ट इंडीज के साथ एंगेज रहे हम और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ एंगेज रहे, फिर अगर ऑस्ट्रेलिया जो है वो 19-20 है तो ऑस्ट्रेलिया अगर नहीं आती है तो उसके लिए हमारे पास क्या लाइन ऑफ एक्शन है। तो अभी तो एक इमीडिएटली तो ये एक सिनेरियो चल रहा है, और फिर जाके जैसे मैंने कहा कि फोरम्स अवेलेबल है, असल में सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो लीगली भी हमारे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट्स में कि यू नो अगर मैं कल को चाहूँ और मैं कहूँ जी न्यूजीलैंड में मॉस में बॉम्ब फटा था तो पाकिस्तान टीम नहीं आ सकती है, तो वो उसको एक कंसिडर किया जाएगा उस ऑप्शन को। सो वो बेशक जितने मर्जी डिसअपॉइंट हो उनकी अगर तो वो आप पुल आउट कर सकते हैं, मगर ये के बगैर असल में फ्रस्ट्रेशन ये है कि थ्रेट को शेयर किए बगैर आप चले जाते हैं, और जैसे मैंने कहा कि विदाउट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान ने कितनी मेहनत की, इसलिए जो है ये ज्यादा आवाज उठाने की जरूरत है और इंशाल्लाह उठाएंगे। और प्रेशर देखिए, प्रेशर क्रिएट होगा तो फिर आगे चल के ये दोबारा चीजें नहीं होंगी। मैं समझता हूँ कि ला अमल ये होना चाहिए। जी रमेश भाई, अस्सलाम वालेकुम, मोहित शाह इस्लामाबाद से। अच्छा, थोड़ा सा एक तो मैं फील करता हूँ कि जिस तरह बिल्कुल लेटते 11th आवर, 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले जिस तरह हमें पता लगा, तो कोई ये प्री प्लान तो नहीं था ये सारा जो सीन क्रिएट किया गया, और इस तरह की कोई पहले कोई इस तरह की शायद कोई इस तरह का उन्होंने किया हो। फिर दूसरा मैं ये भी आपसे एक क्वेश्चन है, यही भट्टी साहब ने जिस तरह क्वेश्चन किया उसकी तरह ही, कि जिस तरह आप अपने जमाने में फ्रंट फुट पर छक्के चेफील्ड को मारते होते थे, इस तरह के दो स्ट्रोक्स तो चाहिए ना सर यहाँ इस तरह। मतलब आप माशाल्लाह कोशिश भी कर रहे हैं, ये मैं नहीं कहता, लेकिन फिर भी एक दो ऐसे डिसीजन तकड़े से चाहिए कि जो जो उनको उनको भी थोड़ा उनका भी धुआं निकालें सर। देखिए शाह साहब, बड़ा आसान है कि मैं कह दूं जी कि 2022 में इंग्लैंड नहीं आ रहे, बहुत आसान है ना। मगर ये भी देखना है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को इसका फायदा है या नुकसान है। अभी तो गुस्सा है, गम है, हमारी यू नो ईगो को ठेस लगी है एज अ नेशन जो है वो, हाउ डेयर दे वॉक आउट लाइक दिस। बड़े सिंपल सी सिचुएशन है, वो बहुत आसान काम है शाह साहब, किसी को ना बुलाना या किसी के साथ एंगेज ना होना। मैं समझता हूँ कि इसका तरीका जो मेरी नाकिस राय में है वो यही है कि आप जो है अपना मौकफ जो है बड़ा स्ट्रांगली रखें और अपनी पेन जो है वो दुनिया के साथ शेयर करें और अपनी फ्रस्ट्रेशन, ताकि ये अगली दफा जो है अगर खुदा ना खास्ता ये सिचुएशन आती है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एक हमारी फाइल तैयार है जो कि हम इनके मुंह पे दोबारा से मार सकते हैं, या फिर आपकी एंगेजमेंट जो है दूसरी कंट्रीज के साथ बहुत बेहतर होनी चाहिए ताकि आपका प्लान बी तैयार हो। सो एक तो ये है, और जो पता नहीं आपका पहला सवाल क्या था शाह साहब, कोई प्री प्लान या कुछ इस तरह का तो सीन इस पहले से तैयार नहीं किया हुआ था सर इन मालिक ने या इस तरह की कोई चीज? अच्छा, वो देखिए वो हुआ ये कि जब मैं ब्रिटिश हाई कमिश्नर के पास गया तो उन्होंने सारी चीज समझाई और उन्होंने कहा जी कि एक फाइव आईज हैं जो कि इंटेलिजेंस के, इनको सारी जो है रिसीव हो जाती है, जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है और न्यूजीलैंड। सो वो पॉट में चली जाती है जो भी होती है सिचुएशन, और उसके बाद फिर सॉवरन तरीके से इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को ये अपने एंड पे पढ़ते हैं और एक्शन लेते हैं। सो उनके हिसाब से जो न्यूजीलैंड का जो दो एक प्रॉब्लम्स थे, एक तो इनकी इंटेलिजेंस जो है वो यहाँ पे प्लेस नहीं है पाकिस्तान में, सो इनके हेडक्वार्टर्स हैं तेहरान में। सो इनके जो समझ लें कि जो जो फुट सोल्जर्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं है। सो इनको एक इन्फॉर्मेशन मिली, दूसरी उसने बात की कि इनका थ्रेशहोल्ड बड़ा कम है। देखें कई जो कंट्रीज हैं जो कि ऐसी सिचुएशन से बार बार गुजरती हैं ना, तो उनका थ्रेशहोल्ड होता है 60% से। वो वेट करते हैं, वो कहते हैं ठीक है ये पहले भी हमने सुने हैं ऐसे थ्रेट्स,
विल ओवरकम इट, डोंट वरी. सो न्यूजीलैंड का जो थ्रेशहोल्ड था ना, वो अकॉर्डिंग टू हिम वो बहुत कम था, 10%. सो वो उन्होंने जैसे ही देखा वो उड़ लिए. तो कहता है कि यही हमारे पास भी था, हमारी भी उसमें आया किटी में ये चीज. हमारी ट्रेवल एडवाइजरी बदली नहीं, ना ही अमेरिका ने बदली, ना ही ऑस्ट्रेलियंस ने बदली. सो इन्होंने उस थ्रेट को मुख्तलिफ तरह से रीड किया. और मतलब उसका कहने का यही था, हालांकि उसने कहा नहीं था सर्टली, बट बिटवीन द लाइंस वो यही कह रहा था कि इस लेवल का थ्रेट शायद नहीं था कि न्यूजीलैंड चली जाती. सो अब ये और फिर जो वहां बात हुई वो अलग बात है, जो प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर. बट पॉइंट यही है कहने का कि इसी बेस के ऊपर जो है वो चलेगा. अब इसमें आउटसाइड फोर्सेस का कोई ताल्लुक है या किसी ने इंस्टिगेट किया उनको, या यू नो ये जो एक तरह से यहाँ पे बातें चल रही हैं, हु नोज. मैं उसके ऊपर जो है वो कुछ कमेंट दे नहीं सकता. थैंक यू रमीज भाई. जेंटलमैन गुजारिश ये कि जरा अपने सवालों को छोटा रख लें क्योंकि रमीज भाई इज रनिंग आउट ऑफ टाइम. एहतिशाम अबू बकर बाकरी और कादर ख्वाजा. एहतिशाम साहब जी, अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई. वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? जी शुक्र. रमीज भाई आपको आते ही बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजरना पड़ा. एहतिशाम साहब आज मेरा आठवां दिन है, मुझे लग रहा है मैं पिछले कुछ 7 साल से पीसीबी के चेयरमैन हूँ. आज एग्जैक्टली डेफिनेटली आपका आपका जो आते हुए जो पैशन था पाकिस्तान क्रिकेट को प्रमोट करना और डेवलप करना, वो तो लगता है आप थोड़ा सा पीछे चला गया. अभी तो हम मेंटेन कर रहे हैं. वो पीछे नहीं जाएगा, वो आप फिक्र ना करें. मुझे मैं सारे क्लब्स वालों से मिल रहा हूँ इंशाल्लाह. फिर अपने फर्स्ट क्लास सिस्टम को मैं और ज्यादा उसके ऊपर बात कर रहा हूँ. मैं सबसे वो फिक्र ना करें, वो मेरे टॉप एजेंडा है. अच्छा पूछना ये था कि इंग्लैंड ने अगरचे रिफ्यूज कर दिया लेकिन उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिकली एक ड्राफ्ट बना के भेज दिया कि हम जो है वो अभी तो उन्होंने थ्रेट का जिक्र ही नहीं किया लेकिन इनकार भी कर दिया. और 2022 में भी उन्होंने कहा कि हम आएंगे. तो कितने होपफुल हैं, मतलब अगरचे आपने जिक्र भी किया लेकिन इंग्लैंड क्या क्या मूड लगा आपको? देखिये वो अब मैं क्या उसके वर्ड्स यूज करूं, मतलब मेरा है कि पहली दफा होगा कि गोरे ने कोई मुझे 5 मिनट सुना होगा. इसलिए कि मैंने उसको पहले तो उसने अपनी बात की और मुझे लग रहा था ये कॉस्मेटिक चीजें बता रहा है मुझे, ये कोई क्रिकेट की सेंस नहीं है. यू नो कि ये चीज हो गई तो वो चीज हो गई तो वहां हुआ तो वो, मतलब मेरी अपनी स्टोरी वो बिल्ड कर रहा था. तो मैंने उसको फ्रेंकली ये कहा, मैंने कहा सो आई मीन यू ट्राइंग टू टेल मी दैट यू नॉट गोइंग टू हेल्प अस और इसके ऊपर आओ तुम. एंड ये कि तुमने डिसाइड कर लिया है क्योंकि न्यूजीलैंड ने पुल आउट किया है सो इंग्लैंड उसको फॉलो करेगी और इसमें कोई लॉजिक नहीं है. मतलब मेरा ये है कि प्लेयर्स जो हैं वो स्पूक हो गए. पहले उसका मुझे आया कि जी स्पूक हो गए सिचुएशन से. सो मैंने उसे कहा जब ये पीएसएल खेलने आते हैं तब तो स्पूक नहीं होते हैं. ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे मेरे. मैंने कहा जब ये हमारे नेबरिंग कंट्री में जाते हैं तब तो स्पूक नहीं होते हैं. तो मतलब मैं तो इसको ऐसे रीड कर रहा हूँ कि जहां जिसके पास पैसा है और क्लाउड है वहां पे इंग्लैंड चला जाएगा और जिसके पास पैसा और क्लाउड कम है वहां पे नहीं आएगा और वो पिक एंड चूज करेंगे. सो ये मैंने उसको अच्छी तरह समझाया है और जो भी हमारी फ्रस्ट्रेशन थी मैंने उसके साथ शेयर किया. मैंने कहा ये आपको रियलाइज ही नहीं आप करते हैं कि आपके पुल आउट से पाकिस्तान कितना पीछे चला जाता है. और इसलिए चला जाता है कि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं हमें एहतिशाम, क्योंकि हम जाके बिच जाते हैं लोगों के सामने. यू नो आगे चले जाते हैं, मतलब 5% जहाँ देना होता है वहां हम 100% दे जाते हैं इन्हें और दूसरी चीज भी नहीं सोचते हैं. सो देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉज करने का टाइम है और पॉज करके एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है कि हम शायद बड़ी टीम होते तो आज ये ना होता, हम शायद बड़ी क्रिकेट इकोनॉमी होते तो शायद ये ना होता, हम अगर हमारी वॉइस अच्छी होती आईसीसी के ऊपर तो शायद ये ना होता, अगर हम ना ज्यादा बिछते रहते तो शायद ये ना होता. तो ये सारी चीजें हैं जो कि देखिए ना, मैं तो स्पेल आउट इसको कर सकता था. और 2022 में जो है, और ये एग्जैक्टली मैंने कहा क्या चीज है कि मुझे ये बताओ कि अगर दिसंबर में टूर है तो अक्टूबर में आप आके मुझे कहोगे कि जी आज जो है वो हम नहीं आ सकते हैं. तो फिर हम जो है वो इसी तरह से जो है वो अपनी सेक्रीफाइस करें अपनी ईगो को फैंस की इज्जत को, ये होने वाला नहीं है. सो मैं इनसे कुछ ना कुछ इसके ऊपर बात करूंगा आईसीसी के ऊपर कि इसका कोई लाए अमल होना चाहिए जहां पे हमें गारंटीज हों. और ठीक है मान सकते हैं कि अगर टर्बुलेंस होती है तो हम खुद ही ना शायद बुलाएं,
पॉइंट ये है ना कहने का, हम भी कोई ऐसे नहीं है इरिस्पॉन्सिबल क्रिकेट बोर्ड, हमें पता चल जाता है कि जब सिचुएशन जो है वो नाजुक होती है कि हम किसी को बुला के और अपने आप को जो है वो भी एंडेंजर नहीं करना चाहते ना, दोनों टीम्स की बसेस न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की इकट्ठी रवाना होती हैं। सो ये नहीं था कि न्यूजीलैंड को थ्रेट था और वो शेयर नहीं किया तो पाकिस्तान जो है वो उसके लिए थ्रेट नहीं था, ये मुझे समझ नहीं आई कि हमारे हम कोई लेसर लोग हैं। हमें बताओ तो सही कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए बता दो, तुम चले तो गए दुबई से, तो हमें अब तो शेयर करो ना कि क्या थ्रेट था ताकि हम उसको देख। इनको पता है कि इनके पास उस लेवल का थ्रेट ही नहीं था कि आप वॉकआउट कर सकते टूर पे, इनका थ्रेशहोल्ड इतना सा है न्यूजीलैंड का जिसकी वजह से ये भाग गए। नेक्स्ट रमीज भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बहुत बात की और सारी दुनिया इस वक्त सिर्फ एक थ्रेट को जवाज बना के पाकिस्तान से मुंह मोड़ रही है, आपको नहीं लगता ये बात क्रिकेट से बढ़कर है, ये हमें शायद एब्सोल्युटली नॉट का जो है वो जवाब दिया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? कोई कुछ भी हो सकता है, मैं मतलब मुझे इसका पता नहीं है कि इसके पॉलिटिकल एक जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप हुई हुई है उसकी वजह से ये हुआ है। मगर देखे ना, न्यूजीलैंड की टीम आ तो गई है, सो अगर ये और मुझे इसलिए भी फ्रस्ट्रेशन है कि जब आप आ गए तो फिर आप वही प्लेयर्स लाए हैं जो कि पाकिस्तान की पल्स को जानते हैं, खेलना चाहते हैं, क्योंकि जब आप पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा ना, तो एक खास आपको पैशन होता है और उस और एक ड्राइव होती है, एक इनमें इमोशंस भी होते हैं, इसमें क्रिकेट की भी की एक स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि बहुत सारे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो थे उनके रेगुलर्स नहीं थे, सो उनको भी एक्सपोजर की जरूरत थी। तो ये सारी आप चीजें लेके यहाँ पे आए और फिर छह दिन के बाद आप निकल, मैं चलो हो भी सकता है कि कोई थ्रेट परसेप्शन हो, मगर पॉइंट ये कहने का है जब तक आप शेयर नहीं करेंगे शायद हम आपकी हेल्प कर सकते, क्योंकि इससे ज्यादा, और जो वो रेजी जो था एक हमारा जो न्यूट्रल लगा हुआ है सिक्योरिटी का, उसने जब हमारे साथ मीटिंग की उसने कहा मैं ऑन रिकॉर्ड जा रहा हूं कि पूरी दुनिया में, ये आप लोग सुन लें, पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग फुटबॉल, इंक्लूडिंग फॉर्मूला वन, दुनिया में कहीं इससे ज्यादा फैबुलस सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है स्पोर्टिंग टीम के लिए या स्पोर्टिंग इवेंट के लिए। सो ये वर्ल्ड क्लास नहीं है, ये एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास है जो जो उनको फैसिलिटीज या दे रहे हैं हम, और खास तौर पे जब ये वेस्टर्न टीम्स आ रही हैं। तो इसलिए भी फ्रस्ट्रेशन है कि आप समझते नहीं है कि क्या चीजें हमने, मतलब है मिलियंस में जाती है डॉलर्स में सिक्योरिटी ऐसी लेआउट करने के लिए, और पाकिस्तान इस वक्त जैसे मैंने कहा हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो दुनिया में सबसे शानदार है, बैटल हार्डन है। सो आप उनको साथ कुछ शेयर ना करें और आप कहें जी कि नहीं हमारे पास आ गया, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कह दिया हम निकल रहे हैं, तो इस वजह से भी फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हुई हुई है, और इसलिए आप लोगों का हमारे साथ इकट्ठे खड़ा होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि किसी जगह पे हम गलत नहीं थे इन पिछले 7 दिनों में, किसी जगह पे कहीं कोई हमारी गलती नहीं है और हमें सजा मिली है, पॉइंट ये कहने का है। रमीज भाई, एजाज बोल टीवी से, आप कह रहे हैं कि पिछले 7 दिनों से पाकिस्तान ने कहीं कोई गलती नहीं की है, लेकिन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली या हसनैन या आजम, इनका तो कोई कसूर नहीं है कि इनको अब अगर पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट नहीं मिलेगी तो वो यूएई या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं जाएंगे, तो पाकिस्तान के जो मैचेस अब नहीं पाकिस्तान खेल पाएगा ना, इंग्लैंड वाले मैचेस, न्यूजीलैंड वाले भी जाया हो गए, अगर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज भी नहीं खेलते तो न्यूट्रल वेन्यू वाली जो कसम है वो हमें आखिर तोड़नी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो जिस तरह आपने सख्त मौकफ अपनाया है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जिस तरह भागी है उसके बाद आपने स्टांस लिया है, कितना अच्छा होता कि जब न्यूजीलैंड दौरे पे थी पाकिस्तान टीम और वहां पर सख्त क्वारंटीन में उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जो हमारे जो साबिक चेयरमैन थे और अभी वसीम खान साहब थे उन्होंने कोई स्टांस नहीं लिया, वहां पर प्लेयर्स को भी हमारे उधर जो है वो करवाया गया, तो क्या समझते हैं कि तब वापस बुला लेना चाहिए था अपनी टीम को और इनको सख्त मैसेज देना चाहिए था ताकि ये आइंदा के बाद खबरदार होते उसके बाद? कौन सी बात कर रहे हो कादर, किस चीज की, कहां से? इंग्लैंड के टूर, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड टूर में जब 7 प्लेयर हमारे पॉजिटिव आए थे उन्होंने कहा था कि वापस भेज देंगे आपकी पूरी टीम को अगर आपने एसओपीस पर अमल दरामद नहीं किया, ये अपनी इज्जत नहीं आप करवाएंगे तो फिर दुनिया इज्जत नहीं करेगी।
सो ये बड़ी सिंपल सी बात है, आपको देखें ना, मैं फिर से कह रहा हूँ जो लेसन है ना वो इन चीजों के ऊपर है, आप देखें किन किन पॉइंट्स के ऊपर हमने गिवन किया है और किन किन जगहों पे उसका हमें रिजल्ट क्या मिला, जीरो रिजल्ट मिला। सो ये चीजें हैं जो कि आगे चल के हमें इसका एक पूरी एक इंफॉर्मेशन जो है कंपाइल करनी चाहिए और उसके बाद जो है आपको इसका जो है वो अगली दफा बेहतर रिस्पांस मिलना चाहिए लोगों को और कंट्रीज के क्रिकेट बोर्ड्स को। हाफिज इमरान, यूसुफ अंजुम, चौधरी अशरफ और उस्मान। हाफिज आप म्यूट के ऊपर हैं। जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम रमीज साहब। जी वालेकुम सलाम। सवाल ये है कि जिस तरह टीमों के आने से पहले एक प्रोसेस होता है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आते हैं, एजेंसीज के साथ शेयरिंग होती है और एक पूरा उसका प्रोटोकॉल है कि आपने आने से पहले क्या करना है, तो आप समझते हैं कि आईसीसी में जब आप जाते हैं तो अब ये भी एक चीज इन रिटर्न करनी चाहिए कि जब आप किसी मुल्क को इस तरह से छोड़ के जाएंगे उसके भी प्रोटोकॉल्स बनने चाहिए, और दूसरा कोई डोजियर आप ये सारे पिछले 6-7 साल का आईसीसी के सामने रखेंगे कि 6 साल में पाकिस्तान क्रिकेट ने क्या होस्ट किया, किस तरह से किया और आज उसके बाद ये हुआ। देखिए हाफिज, जो आपका पहला सवाल है, मैंने वहां पे भी उनको कहा था, मैंने कहा ये बड़ी गलत बात है कि आप एक न्यूट्रल एक सिक्योरिटी जो जो आपका नुमाइंदा है वो अगर कह रहा है कि सब चीजें ब्रिलियंट हैं, आप उसकी बात मानते नहीं है और अपनी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो कि ऑकलैंड में है या कहीं पे भी हैं उसके बेस के ऊपर जो है आप डिसीजन ले लेते हैं। सो आपकी भी सिक्योरिटी के बंदे जो हैं वो टूर पे होने चाहिए हर दफा, ताकि आपको वहां पे फिर कुछ शेयरिंग बेस आप फिर अकॉर्डिंगली कर सकते हैं ना। अभी वो बेबस हो गया था जो न्यूट्रल बंदा था, क्योंकि वो उसके हाथ में चीज ही नहीं थी, वो तो यही बार बार कह रहा था कि सब चीजें यहाँ पे ठीक है, उसकी बात ही नहीं सुनी गई। सो वो जो आपका पॉइंट है ना कि ये भी रेज मैंने किया था कि जो भी टीम आए वो अपने सिक्योरिटी के बंदे साथ लेके आए, ताकि वहां पे कोई एक्शन लेने की जरूरत है तो डायरेक्टली आप इन टच हो सके उनके साथ। और डोसियर की आपने बात की, आई थिंक दुनिया को पता है हमने क्या किया है, बट एनीवे वो इन यू नो मीडिया के थ्रू जो है वो उनको पता चल रहा है कि हमने कहां कहां पे कितने कितने वक्त के साथ काम लगाया है। और जैसे मैंने कहा ना कि थाउजेंड्स ऑफ बेबी स्टेप लिए हैं पाकिस्तान में क्रिकेट को रीलॉन्च करने के लिए। सो वो जो मौकफ है वो सबको पता भी है और इसको और भी ज्यादा रगड़ेंगे। रमीज भाई, पूरी कौम सख्त गुस्से में है और आप समझते हैं कि जो T20 वर्ल्ड कप में हमारा मैच इंडिया के साथ होने जा रहा है, उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ हमारा मैच है, तो ये इन दोनों मैचों की अहमियत पहले से कई गुना बढ़ गई है। देखिए हर मैच की अहमियत है, मैं सिर्फ उम्मीद यही करता हूँ कि हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और मैंने ये बाबर आजम से ये बात भी की थी, मैंने कहा देखो कि अगर आप हार भी जाते हैं ना, सो जो अपोजिंग कैप्टन है उसकी आंखों में एक आपके लिए इज्जत होनी चाहिए कि हाँ किसी कड़ाकेदार टीम के साथ मैच खेलें और हम हारें। सो पूरी कोशिश करें, रिजल्ट्स जो है वर्ल्ड कप में बड़े मुश्किल होते हैं कि इस तरह से आप बिल्कुल ही टेक ऑफ करते रहते हैं, कभी आप जीतते हैं हारते हैं जीतते हैं हारते हैं। सो अपना बेस्ट देंगे तो इस टीम में इतना पोटेंशियल है, इनके पास 1-2 नहीं 4-5 एक्स फैक्टर वाले प्लेयर्स हैं। सो मैं उम्मीद यही करता हूं कि ये जो हमारे जज्बात की क्रिकेट टीम तर्जमानी कर सकेगी, और इसमें क्लैरिटी चाहिए, इसमें होश लेके आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखानी है और प्रेशर में भी नहीं आना कि जी क्योंकि अब सारी कौम हमारी नजरें लग गई हैं सो हमें ये जीतना बड़ा जरूरी हो गया। सो मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से भी जो है ना इनको वो बैलेंस रखना है। नेक्स्ट कौन है? रमीज भाई, आप दो बातें आपसे पूछनी थी, एक तो ये कि जब ये ईसीबी के चीफ के साथ जब आपकी बात हो रही थी, क्या आपने उन्हें ये ऑफर की कि आप अपने जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनको दोबारा रिविजिट करवा दें, क्या कोई इस तरह की बात हुई? और दूसरा ये कि काफी एक्स क्रिकेटर्स जो हैं जिसमें वेस्ट इंडियन हैं, श्रीलंकन हैं और कुछ और भी प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान में नुमाइशी मैच खेलना चाह रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर, तो क्या कोई इस प्रपोजल के ऊपर कोई काम हो रहा है? देखिए यार, वो जो एक नुमाइशी मैच है ना, और वो हमें पता है कि हमारे साथ हैं क्योंकि PSL में हमने उसका नजारा देख लेते हैं। सो वो इस वक्त तो ये है कि
ऑप्शन ये देखना है कि हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट T20 है वो हम किस तरह से अच्छी तरह से कर सकते हैं, कंपेटिटिव बना सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं अफगानिस्तान को आप बुला सकते हैं, अफगानिस्तान जो है वो आ सकती है। सो उसके ऊपर मैं अभी गौर कर रहा हूँ कि उसका किस तरह से अगर वो ऑप्शन आजमाया जाता है तो उसका क्या रद्द अमल हो सकता है या वो किस तरह से हमें उसका फायदा मिल सकता है। सो बाकी जो है वो देखें पॉइंट क्या है, पॉइंट ये हम सब चीजें तब करें जबकि कोई सिचुएशन हमने खराब की हो। हमें दुनिया को प्रूव नहीं करना है कि पाकिस्तान जो है वो सेफ है, क्योंकि इंग्लैंड ने सिक्योरिटी की तो बात ही नहीं की है। उन्होंने तो कहा है जी प्लेयर फटीग है, आप उनकी स्टेटमेंट पढ़े ना, और ये बबल में रहते हैं और ये स्पूक हो गए। तो ये चीजें ऐसे नहीं है कि उन्होंने कहा है कि जी हम नहीं आ सकते हैं बिकॉज हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। वो सिक्योरिटी थ्रेट की बात ही नहीं की है। वो पुरानी जो सिक्योरिटी थ्रेट जैसे मैंने कहा ना वो पॉट में जो आई वो उसी बेस के ऊपर उनको एक बहाना मिला और वो पुल आउट कर गए। सो हमें कोई प्रूव नहीं करना है दुनिया को कि हम जो है पाकिस्तान इज सेफ टू प्ले। सारी दुनिया को पता है यहाँ पे कुछ सिचुएशन हुई नहीं है, होक्स भी हो सकता था ना। मेरा पॉइंट ये कहने का अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मैं कैसे मानूंगा कि आप ठीक हैं। और ये बदतमीजी भी है एक तरह से, आप डिसरिगार्ड कर रहे हैं हमारे इमोशंस को, हमारी क्रिकेट की जो मेहनत की है, और ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और हमें कुछ प्रूव भी नहीं करना इसके ऊपर पॉइंट, या तो कोई चीज ऐसी हुई होती या तो यहाँ खुदा ना खास्ता कोई सिक्योरिटी सिचुएशन बन गई होती तो ठीक है, फिर आपको दोबारा से ए बी सी डी अलिफ बे पे पढ़ के और आगे चलना पड़ा। हमें कोई प्रूव नहीं करना, आप ये बिल्कुल इस चीज के ऊपर मत इनसिक्योर फील करें कि हमें दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान इज सेफ टू प्ले। कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका हुआ है। ये जो न्यूजीलैंड भागी है उसके बाद ये सिचुएशन डेवलप हुई है, और वो आप अपने नैरेटिव से उसको ठीक कर सकते हैं, अपना मौकफ पेश करके प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। और आपने देख ही लिया है खबरें मेरे पास जो आ रही हैं, रिपोर्ट्स न्यूज वो ओवरवेलमिंग है पाकिस्तान की सपोर्ट में, इसलिए कि दुनिया जानती है ना कि इसका कोई जवाब नहीं था। तो हम क्यों अपना गोल पोस्ट बदले, हम क्यों जाएं दुबई में खेलने के लिए, हम क्यों आए यहाँ पे 8-10 प्लेयर्स को बुला के जी देखो सिक्योरिटी भी अच्छी है। और ये हम ये कर चुके हैं, हमें किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हमने दुनिया को ये बताना है कि आप अपना माइंड ठीक करें, आपका परसेप्शन गलत है, और उस परसेप्शन के लिए हम आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं। ये है सिचुएशन उस्मान जी। रमेश चौधरी अशरफ बात कर रहा हूं। जी जी चौधरी साहब, पाकिस्तान सुपर लीग ने बहुत मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाली के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया, और जो पाकिस्तान की जो फ्रेंचाइज हैं, मुख्तलिफ फ्रेंचाइज हैं, उनकी जानिब से भी ऑफर्स आई हैं आप लोगों को कि कोई मिनी ऐसा मैचेस करवा दिए जाएं फ्रेंचाइज के दरमियान, वो अपने गैर मुल्की खिलाड़ियों को वहां पर बुला लें, क्योंकि पैगाम तो हमने अब देना है। ये बात नहीं है कि हम आप ऑफ हो गए, आगे बढ़ते हैं। बिलाल जी आगे आगे अशरफ चौधरी साहब आगे। थैंक यू रमीज, बात तो अब हमने जवाब देना, क्या कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब ऐसा प्लान है कि मिनी लीग या फ्रेंचाइज के कोई मैचेस ऐसे करवा दिए जाएं जिससे गैर मुल्की खिलाड़ी यहाँ पर खेलें और दुनिया को पैगाम जाए। देखिए अभी PSL के मामला जो है वो बहुत सारे तय होने हैं, मैं उनसे मीटिंग कर रहा हूँ 24 को, सो थोड़ा सा हौसला रखें। दूसरा ये जैसे मैंने कहा कि मेरा इसके ऊपर ये बड़ी क्लियर कट थिंकिंग है कि हमें कोई मैसेज नहीं देना है दुनिया को कि यहाँ पे हम इंटरनेशनल लीग शुरू करवा दें और उनके मुंह पे जूता लग जाएगा। वो सिचुएशन ही नहीं है। हमने वर्ल्ड कप की तैयारी इस वक्त करनी है, हमारा फोकस वर्ल्ड कप है। हमारा फोकस ये नहीं है कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट की मार्केटिंग करनी है या कोई जवाब दुनिया को देना है कि पाकिस्तान इज सेफ टू प्ले। इस वक्त आप देखें आपकी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी ये है कि आप अपनी टीम को एक उस माहौल एंड एनवायरनमेंट में ले जाएं जहां पे ये प्रॉपर एक टूर्नामेंट खेलें, प्रैक्टिस करें, अपना फोकस रखें, और वर्ल्ड कप में जाके सारी दुनिया को बताएं कि कितनी ग्रेट टीम है हम। थैंक यू। बिलाल अरसलान, अब्बास रजा, अजहर मसूद। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि आपने कल भी एक अपने बयान में कहा था कि जो वेस्ट ब्लॉक जो है वो बन चुका है वेस्टर्न ब्लॉक, तो
फ्यूचर में हम इस वेस्टर्न ब्लॉक को कमजोर करेंगे, उनको अपनी बातें मनवाएंगे, या फिर जिस तरह माजी में हम उनकी बातें मानते आए हैं, न्यूजीलैंड में भी जैसा हमारे खिलाड़ियों के साथ बर्ताव हुआ उनकी बातें मानते आए, क्या हम मुस्तकबिल में भी ऐसा स्टांस रखेंगे? मुस्तकबिल में एक उनको मुख्तलिफ स्टांस मिलेगा। मैं ये तो नहीं कहता टिट फॉर टैट, ये सख्त वर्ड्स हैं, बट हमें आइडिया है कि हम कहाँ तक रीच आउट करेंगे, क्योंकि हमें पता है इन रिटर्न जो है वो हमें कुछ ज्यादा मिलता नहीं है। हम जितना मर्जी यू नो इनकी पीआर करें, जितनी मर्जी आउट ऑफ द वे जाके इनको एकोमोडेट करें, इनकी डांटें खाएं, उसके बाद एंड रिजल्ट क्या होता है कि जब इनकी होती है ये सेल्फिश इनिंग्स खेल के निकल जाते हैं। सो मैं सिर्फ यही कहता हूं कि हमें भी जो स्टांस है वो पाकिस्तान के हिसाब से खेलना है, हमें दुनिया के हिसाब से नहीं, और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमें हरगिज नहीं होना चाहिए। देखें सारी मेहनत जो है ना इस क्रिकेट बोर्ड की वो यही होगी कि पाकिस्तान टीम को बेस्ट टीम दुनिया के बनाए। इसीलिए वर्ल्ड कप में आपने देखा है कि जो दो आए हैं कोचेस, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये नहीं है कि वो एक महीने में इनकी जो कोचिंग है वो यहां से यहां ले जाएंगे, शायद वो भी इसका फर्क पड़ेगा, बट एक जो मेंटेलिटी है ना पाकिस्तान की, एक जो हमें कई दफा कॉम्प्लेक्स रहता है, एक दफा जब कभी हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है, ये सारी चीजें ठीक होंगी इंशाल्लाह। सो हम अपनी तरफ से एज अ क्रिकेट बोर्ड पूरा जोर लगाएंगे कि इनकी जितनी भी सहूलत हम कर सकें फॉर देम टू प्रोड्यूस ग्रेट परफॉर्मेंसेस वो हम करेंगे। सो बाकी जो एक हद तक हम जाएंगे, कोई हम इसमें सियासत की बात ही नहीं है, हम हैं पार्टी जो कि जिसका दिल टूटा है, हम हैं पार्टी जिसने मेहनत करके यहाँ तक चीजों को लेके आए, और सडनली वन फाइन इवनिंग कोई उठ के चला जाता है और हमारी सारी जो 10-15 साल की मेहनत है वो रायगां चली जाए, ये होने वाला नहीं है। हम फ्रिक्शन भी नहीं चाहते हैं, मगर हमें लिमिटेशंस का आइडिया है और इंशाल्लाह उसी हिसाब से अपने पैरामीटर्स डिफाइन करके अब इनिंग्स खेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रमेश भाई, मेरा सवाल ये है कि DRS इस सीरीज में नहीं था, अगर वो होता तो आप समझती हैं कि हमारा ICC में एक स्ट्रांग केस जो है वो पुट ऑन हो सकता था, जब क्योंकि इससे पहले भी हम भारत के खिलाफ भी ICC में केस लेके गए थे, लेकिन हमें सिर्फ पैसे का ज़िया हुआ और उसमें कोई प्रॉपर जो है वो आंसर नहीं मिल सका, तो आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम ICC में पुल आउट करती सुपर लीग के पॉइंट्स भी हमें मिल सकते थे DRS ना होने की वजह से, ये जवाब जो सिक्योरिटी का ऑलरेडी उन्होंने बनाना था, और दूसरा अभी जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये सारा सिनेरियो पेश आया है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाज़ जगहों पर बाज़ हल्कों में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, आप समझते हैं कि वो नामुनासिब है? क्या तनकीद का निशाना? कुछ लोग ये समझते हैं कि जो आंखें आज रमीज आजा दीगर बोर्ड्स को दिखा रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड को ये आंखें जो हैं वो बहुत पहले दिखानी चाहिए थी, और अगर पहले से ये आंखें दिखाई होती नहीं तो, मेरी बात सुने सर, वो तो मैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ ना, तो ये तनकीद का निशाना कौन बना रहा है? ये तनकीद का निशाना इस क्रिकेट बोर्ड को बना रहे हैं? जी जी, उसमें खासकर वसीम खान पे जो तनकीद लगातार हो रही है इस पर, मतलब मेरा देखे वसीम खान के कहने से तो न्यूजीलैंड नहीं भाग गया ना यार, ये तो गलत तनकीद है, ये तो आपको इसको तो टेकअप आप लोगों को करना है। देखें आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस तनकीद में शामिल होकर इंजॉय मत करें, ऐसी तनकीद को जो है वो शटअप कॉल मिलनी चाहिए ना, एक तो ये चीज है। दूसरा आपका DRS के ऊपर था, DRS के ऊपर जो है वो मैंने इंक्वायरी लॉन्च करवा दी हुई है, ये बहुत ही ज्यादा एक चाहे वो सीरीज हुई है या नहीं हुई है, ये पाकिस्तान एक 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 ग्रेट क्रिकेट कंट्री है, और किस तरह से आपके पास ये सहूलत नहीं थी, मुझे तो समझ से मेरी बाहर है सिचुएशन। रमीज पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि हमें कोई ऐसा चेयरमैन मिला है जो कम से कम गूंगा नहीं है, जो प्लेटफॉर्म पे हमारी बात कर सकता है, ये बड़ी अच्छी बात है। इस कॉज में, ये पाकिस्तान की कॉज है, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं और खड़ा होना भी चाहिए। मेरा सवाल ये था कि कल वीडियो में जो आपने कहा था कि मैं आपको कंपनसेशन लेके दूंगा, तो उस हवाले से ये पूछना चाहता था कि इसके लिए क्या तरीकाकार हो सकता है कि हम आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाएंगे, ICC में जाएंगे, क्या प्लेटफॉर्म पर? नहीं, वो उनका ICC में प्लेटफॉर्म है जो कि इस तरह की सिचुएशन, जैसे अभी इंडिया पुल आउट किया है लास्ट टेस्ट मैच में इंग्लैंड से, सो वो भी आर्बिट्रेशन में
एक एक सब कमेटी होती है आईसीसी की, और इसी तरह से हम भी उस सब कमेटी में जाएंगे। सो जो इंडिकेटर आपने देख ही लिया होगा डेविड वाइट की जो आई है एक जो प्रेस रिलीज है, उसमें भी उन्होंने इंडिकेट किया हुआ है कि विल लुक आफ्टर द फाइनेंशियल लॉस या टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो उनको भी आइडिया है कि ये पाकिस्तान के साथ उन्होंने ज्यादती की है, सो और खासी सब्सटेंशियल अमाउंट होती है। सो इसका पॉइंट मेरा ये कहने का है कि अगर हम ठीक हैं और अगर हम वो जो प्रोटोकॉल होगा उसको फॉलो करेंगे और इसकी खूब फाइट करेंगे, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए मेरा टेम्परमेंट और है, मैं वो टिपिकल चेयरमैन हूँ नहीं, यहाँ पे मैं जीरो पैसों पे आया हूँ, मेरा ना मैंने इसके लिए कोई लॉबी की है इस पोजीशन के लिए। अगर मैं आपको बताऊं कि कितनी देर से मेरे जो सिचुएशन हो रही थी, सो मतलब मेरा कहने का ये है कि मैं तो खुल के इनिंग्स खेलने वाला हूं, मेरा कोई यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है मासवाय पाकिस्तान क्रिकेट के, और इसको ऊपर लेके जाना है, इसको इज्जत भी देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, यू नो जैसे मैंने कहा कि स्कूल क्लब फर्स्ट क्लास क्रिकेट ये पैरामाउंट है मेरे पास सब्जेक्ट्स अपने जो 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 इसके लिए हर स्पॉन्सर के पास मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि फर्क पड़ेगा, क्योंकि चेहरा देखते हैं तो उनको आइडिया हो जाता है कि ये कोई यहाँ पे टूर्स एंजॉय करने के लिए नहीं आया ना। मुझे शौक है, आपको पता है अब्बास कि मैंने जिंदगी बहुत देख ली है, मुझे ना ऑटोग्राफ करने का शौक है ना मीडिया का, इसीलिए मैं समीउल हसन के इसरार पे ये चीजें बड़ी मुश्किल से करता हूँ, इनको भी पता है मैं आगे आना ही नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि मुझे ये खाम खा की कॉन्ट्रोवर्सी मिल गई है इस वक्त, ये मैं 7 दिन में पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता। तो मेरे पास 1 महीने का टारगेट है कि 1 महीने में मैंने सब चीजें ठीक करनी है क्रिकेट बोर्ड में, और डिसीजंस लेने हैं, टफ डिसीजंस लूंगा, शायद लोगों को वो समझ भी ना आए, मगर पॉइंट मेरा ये है कि जितनी मुझे समझ है क्रिकेट की उसी हिसाब से मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करके दूंगा। आप फिक्र ना करें, इसलिए कि मैं एक चीज आपको गारंटी करता हूं कि बिल्कुल साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट किस्म की मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, और जो चीज मेरे बस में होगी आपको बता दूंगा, जो नहीं है मैं कह दूंगा मैं नहीं कर सकता। थैंक यू। जी जी हजर, रमीज भाई मेरा ये क्वेश्चन है कि जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के ना आने से जो गैप कमी रह गई है पाकिस्तान की तैयारी के लिए, वो कैसे पूरी होगी उसका प्लान, और दूसरा नेशनल T20 कप कैसा किरदार अदा करेगा इस सिलसिले में तैयारी के? देखिए यही बात है कि इनको बहुत ही जोर लगा के ये T20 का टूर्नामेंट खेलना, एक तो ये है, इसलिए कि जो कमी जो मैं मानता हूं कि जब इंटरनेशनल टीम आती है उसका प्रेशर और होता है, परफॉर्मेंस आपकी ज्यादा जो है वो हेडलाइंस न्यूज बनती है, मगर अगर आप सब लेवल पे भी पूरी तैयारी करते हैं तो इसमें आप अपनी जो हमारी वीकनेस है क्रिकेट में वो है पावर हिटिंग है, इम्प्रोवाइजेशन है, नकल बॉल स्लोअर बॉल, सिचुएशन के हिसाब से किस तरह से क्लैरिटी है लानी है, यू नो टीम सिलेक्शन आपकी, अब थोड़े से आप और ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं इस टूर्नामेंट में, और आपको आइडिया हो सकता है कि कौन प्लेयर फॉर्म में है कौन सा नहीं है, सो ये सब चीजें जो हैं ये आगे चल के आपको हेल्प कर सकती हैं। आइडियली तो नहीं है आइडियल सिचुएशन, मगर मैं फिर भी समझता हूं कि अगर जोर लगा के ये T20 खेलेंगे फायदा जरूर होगा। लास्ट टू क्वेश्चन अनस और सबा पाशा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, अंश GNN टीवी से। रमीज भाई एक तो बड़ा जबरदस्त केस लड़ रहे हैं पाकिस्तान का और पाकिस्तान की क्रिकेट का, मेरा सवाल ये कि जिस तरह आपने कहा कि हम ICC में इसको इस सारे मामले को उठाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें कोई लॉबिंग भी करना होगी, हमें क्रिकेट बोर्ड साथ अपने मिलाने होंगे, क्योंकि ये जिस तरह हमने पहले अपनी क्रिकेट वापस लाए थे तो हमें इसके लिए दोबारा से इन क्रिकेट बोर्ड से रابطہ करने की जरूरत होगी। एक तो ये बता दें कि इस सूरत हाल में किसी क्रिकेट बोर्ड के सरबरा ने या किसी एक्स क्रिकेटर ने जो है वो आपसे रابطہ किया है कोई सॉलिडेरिटी के लिए, कोई यकीन दहानी करवाई है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, अगर नहीं किया तो हम किन किन को समझते हैं जो हमारे दोस्त हैं और हम इनको साथ लेके चल सकते हैं इस मीटिंग में? देखो अनस, दो चीजें हैं, सॉलिडेरिटी की जहां तक बात है तो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, शायद अफगानिस्तान अब होगा, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका है, इन सब से मेरी बातें हुई हैं, और सॉलिडेरिटी नहीं भी होगी
वो इसलिए कि जब आपको एक यू नो पावरफुल दो तीन प्लेयर्स हैं इस आईसीसी में, सो ये ज्यादातर जो है डिसीजन मेकिंग जो है फिर वहां पे चली जाती है. सो उसको ब्रेक करना जो है, जैसे मैं कहता हूँ बार बार के एक तो ये अना की भी जंग है, ये कन्विंस करने की भी जंग है, और ये ब्रूट ऑनेस्टी की भी जंग है. और फिर उसके तहत जो है आप अपना नैरेटिव बनाते हैं, और जो अभी फेंस पे बैठे होते हैं मेंबर्स, फिर वो आपकी बात सुनते हैं. सो तो इस पे बात जरूर करेंगे, क्योंकि ये जो पहले तो लोगों को ये समझना है कि आप इस तरह से अपनी पोजीशन नहीं ले सकते हैं. और पाकिस्तान क्रिकेट का जो है पूरा एक जो हमारा जो एक प्रोसेस है वो फिर से हमें अगर दोबारा से बताना पड़ेगा वो करेंगे. सो इसमें पीआर एक्टिविटी भी है, आप सही कहते हैं, इसमें ऑनेस्टी भी है, और इसमें बेसिकली वही बात आ जाती है कि परफॉर्मेंस है. आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, लोग आपकी बात सुनेंगे ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड. परफॉर्मेंस नहीं है कोई घास नहीं डालेगा. और हम अपना केस भी जो है वो ठीक तरह से नहीं बनाते रहे पिछले कई सालों में, फॉर ग्रांटेड लिया जाता रहा है पाकिस्तान को. सो वो जो फॉर ग्रांटेड वाली सिचुएशन है ना वो अब नहीं होगी मेरे होते हुए इंशाल्लाह. थैंक यू सबा. अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई. रमीज भाई ये बताइएगा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो प्लेयर्स हैं वो पीएसएल में पार्टिसिपेट करते हैं, तो अब वो पीएसएल में पार्टिसिपेट करेंगे और क्या हमारे फ्रेंचाइजर्स उन्हें ओब्लाइज करेंगे? देखिए आना चाहिए इसलिए कि वो इंडिविजुअल उस पे आते हैं, हालांकि ट्रेवल एडवाइजरी माइनस में हो या नेगेटिव में हो वो आ जाते हैं. सो आपको वो माहौल तो रखना है समाओ, और इनकरेज भी करना है. आप ऐसे डोर्स शट नहीं कर सकते हैं. मैं तो ये समझता हूँ, जो मुझे समझ में आता है कि आपकी इसमें जो पैसे हैं जो आप ओवरसीज 5 या 6 प्रोफेशनल्स को इतने ज़्यादा दें, और मैं बात भी करूँगा ये पीएसएल वालों से, कि आप दुनिया के बेस्ट जो प्लेयर्स हैं वो इस लीग में आए, क्योंकि इसको इस लीग को रिवाइटलाइज करना है, इस लीग को दोबारा से एक तरह से हमें बड़े पैमाने पे जो है वो दुनिया को प्रेजेंट करना है. सो जो आपके जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि फॉर एग्जांपल आईपीएल खेलने जाते हैं ओवरसीज, उनको आपको यहाँ लेके आना है. चैलेंज अब ये है, और उसी वजह से फिर जो है आपका इमेज भी बेहतर होता है, आपकी क्रिकेट की इकोनॉमी भी ग्रो करती है, आपकी प्रेजेंस भी दुनिया फील करती है, मगर उसके लिए पैसे और लाने होंगे और डालने होंगे.